नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज RSM को महिला सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसकी यहां पर मैं आपके कंप्यूटर साइंस प्लस इंग्लिश की 100% सटीक और ऑथेंटिक आंसर की लेकर आ गया हूं। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है और इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। आई होप आप कंप्लीट कर देंगे, तो फटाफट इस टारगेट को कम्प्लीट कीजिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूँ। और अभी मैंने वहाँ पर रेलवे एग्जाम्स स्पेशल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक प्लस टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर की आंसर की, उसके बाद देखेंगे साइंस और इंग्लिश की आंसर की। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना आपने 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है पिक्स मैप। आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है? तो उसका नाम है इनसाइट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारण की वजह से समाक्षी तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? तो वो है आपका आउटर कंडक्टर, बाहरी कंडक्टर आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटलाइजेशन। क्या हो जाएगा? डिजिटलाइजेशन उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको राइटिंग टैबलेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो उसको आपके USLI में कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यहाँ पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पूछा है, करेक्ट आंसर है सेल्फी विद डॉटर। अगला क्वेश्चन है, QR कोड में कितने पोजिशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आई थिंक इसका ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, बाकी इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो प्रथम भारतीय जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है वो है आपका शक्ति, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है? तो इसको किया गया है बिग बियर लेक कैलिफोर्निया, जो अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला है उसके मॉडल पर यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन सभी क्वेश्चन की आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में राजस्थान IT दिवस कब से कब तक मनाया गया है? तो 2018 में राजस्थान IT दिवस मनाया गया है 19 मार्च से 21 मार्च तक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली आपके सत्यापित करने की सुविधा देता है? तो उसका सही जवाब है राज ई वॉलेट। अगला है, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? 4 सितंबर 2018 को किया गया था। ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में किया जाता है? तो दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है पैन में, PAN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादित योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? तो वह हो जाएगा आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मोलेक्युलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों मोलेक्युलर स्केल कंप्यूटर को नाम दिया गया है नैनो कंप्यूटर। अब देखते हैं दोस्तों साइंस के क्वेश्चन, सभी के सभी एकदम सटीक आंसर बताऊंगा यहाँ पे मैं, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे RPF या फिर रेलवे ALP CBT 2, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से रेलवे ALP CBT 1 और ग्रुप डी के ऑफिशियल पेपर डाउनलोड कर सकते हो मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके, जो कि आपके रेलवे डी ग्रुप में रिपीट हो रहे हुए हैं क्वेश्चन ALP से, और आने वाले RPF और CBT 2 में भी रिपीट होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो विटामिन B12 में धातु होती है कोबाल्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नायलॉन रेशे बने होते हैं,
तो नायलॉन रेसे बने होते हैं पॉलीएमाइड बहुलक से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना एक आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एक रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें हो जाएगा आपके जो ये हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपचायक अभिकर्मक है, रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले रंग का खनिज जिसका नाम है लेपिसल जुली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, और ये किसका बना होता है? तो ये होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना हुआ होता है लेपिसल जुली। ओके, और अगला क्वेश्चन है पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया था, तो वो आपका चावल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आनुवंशिक रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार की कमी से लड़ने के लिए किया गया है, तो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए की कमी से लड़ने के लिए किया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हृदय में थैप्सियन वॉल्व कहाँ पाया जाता है? तो राइट एट्रियम में पाया जाता है, यानी दाएँ आलिद में पाया जाता है थैप्सियन वॉल्व। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा जो आपके ट्राइसम 13 है, ये हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम, और ट्राइसम 18 ये आपके एडवर्ड्स सिंड्रोम है, ट्राइसम 21 है आपके ट्राइसोमी 21 हो जाएगा आपके डाउन सिंड्रोम, यानी ऑप्शन ए आपका सही यहाँ पे सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वह तकनीक है मेरिस्टम कल्चर यानी विभाजोतक संवर्धन, ऑप्शन आपके बी करेक्ट है, टिश्यू कल्चर होती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा नील हरित शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपके स्पाइरुलिना जो कि एक नील हरित शैवाल है और एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो ट्रेबिकुलने कारने ये आपके मस्तिष्क का भाग न होकर हृदय का भाग है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सम्मिलित है? हेपेरिन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और अगला है कुक का आर्नेट काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? तो न्यूट्रोफिल्स की गणना के लिए किया जाता है आर्नेट काउंट का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? तो यहाँ पर जल में घुलनशील कौन से विटामिन नहीं है? ए डी ई के चार विटामिन नहीं है, जहाँ पर आपके दो के रासायनिक नाम दे रखे हैं, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नाम है और टेकोफोरॉल विटामिन ई का केमिकल नाम है, यानी ये आपके जल में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है। अगला है पृथ्वी का अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन होता है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है, तो घर्षण बढ़ाने के लिए वाहनों की टायरों की जो बाह्य सरफेस है वो आपके नालीदार बनाई जाती है। नेक्स्ट है टमाटर सोच में प्रयोग में आने वाला संरक्षक है, तो जो टमाटर का केचप होता है उसके अंदर जो संरक्षक प्रयुक्त होता है वो आपके सोडियम बेंजोइट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक हो जाएगा करक्यूमिन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला है शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है गुर्दे द्वारा, किडनी के द्वारा शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाया जाता है, तो यहाँ पर आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, तो एकदम मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन का सटीक आंसर बताऊँगा, और ये आंसर प्रोवाइड करवाए हैं इंग्लिश के एमएल चौधरी ने, जो कि एस्टीट्यूट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के इंग्लिश के सीनियर फैकल्टी हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, सी इज समटाइम्स क्लेवर, तो इसका हो जाएगा आपके सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक, तो द रूल इज एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन आ जाएगा टू, द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। और अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस डिटरमाइनिंग वेदर सब्जेक्ट एग्रीज इन नंबर विद द वर्ब, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, जैक अलोंग विथ सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स
इज शेयरिंग ए कार टू अटेंड ए वेडिंग. ऑप्शन आपके सी यहाँ पे करेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों समवन हैज़ इनवाइटेड मी टू द पार्टी. ऑप्शन डी आपका करेक्ट है. और नेक्स्ट है आपके कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन दैट विल फॉलो. तो सी आस्क्ड इफ आई वुड कम विथ हर, तो इसका हो जाएगा सी सेड विल यू कम विथ मी. ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो. तो दे सा हिम यस्टरडे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा. टू फॉर्म ए न्यू वर्ड द प्रफिक्स ए कैन बी एडेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो ये हो जाएगा आपके बी ई डी एबेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एबेड आपका ए प्रफिक्स लग जाएगा ऑप्शन सी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंटरोगेटिव फॉर्म. तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, यानी वेयर इज ए वाइज मैन ऑनर्ड. ऑप्शन ए आपका सही है. नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है कि इंसर्ट ए एंड डी इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस. तो आर्टिकल आपका यूज होगा यहाँ पे. तो द मैन वूम आई स्पोक टू इज ए सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क. ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. और जो लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे. तो इसका हो जाएगा सही, मेक हैस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट. ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है. तो इस प्रकार मैंने आपको इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर की एकदम सटीक आंसर की प्रोवाइड करवा दी है. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि अदर जो भी आपके सब्जेक्ट रह गए हैं जीके के, उनकी आंसर की आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों.